ये देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस आज हम चिप्स बनाना बताएंगे आपको आलू का। तो ये देखिए, एक आलू हमने ले लिया है, छील भी लिया है। इसको अपना पानी में अपना ले लेंगे स्लाइडर और पानी में रख करके इसका कट करेंगे, डिज़ाइनदार बनाएंगे। एक बात और गाइस, आज जो अगर आपने ये पूरी रेसिपी देख ली ना, तो आपके चिप्स कभी काले नहीं पड़ेंगे और कभी स्वाद इनका ख़राब नहीं होगा। इतना यम्मी, इतना टेस्टी लगेगा। तो ये देख सकते हैं डिज़ाइनदार हमने कैसे कट किया है। जो लोगों की शिकायत रहती है ना कि उनके चिप्स ना अजीब से बनते हैं और सूखने के बाद वो काले पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल काले भी नहीं पड़ेंगे, इतना टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने एक आलू कट करके आपको दिखा दिया और बाद बाकी आलू पहले से ही हमने कट करके रख रखे थे। तो चलिए इनको करते हैं बॉयल। देखिए, बॉयल करने में ही सबसे बड़ी ट्रिक है बॉयल करना। तो चलिए आज हम बॉयल करने की सारी ट्रिक्स बताएंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, एक भगोने में हमने ले लिया है पानी, जिसको हमने हाफ फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें चिप्स हमको उतने ही डालने हैं, उतने ही ऐड करने हैं जो पानी में डूबे रहें, पानी ऊपर रहे हमारा, ठीक है, चिप्स के ऊपर पानी रहे। एक बात और गाइस कि पानी को अच्छे से बॉयल करना है। अगर आप नमक वाले बनाना चाहते हैं तो आप नमक वाले भी बना सकते हैं, चाहे वो व्रत वाले हों या फिर सादे नमक के। तो ये हम बिना नमक के बना रहे हैं, जिससे कि आप व्रत में भी खा सकें और नॉर्मल भी खा सकें। तो देखिए, पानी में आ चुका है बॉयल अच्छे से। तो अब हमने चिप्स डाल देंगे, सारे के सारे चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। पानी देख सकते हैं हमारे ऊपर है, और देखिए चिप्स काटते समय जो थोड़ा बहुत कटर निकलती है उसको भी आप इसी में ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चिप्स की तरह ही बहुत अच्छे से लगेंगे। तो देखिए, डालने के बाद में एक बार हम ऐसे अपना अच्छे से स्टर कर देंगे स्पून की सहायता से, क्योंकि हमारे चिप्स एक सार हो जाएं अगर बीच बीच में आप स्टर कर देते हैं। देखिएगा, अगर आप का इसके हम तीन आपको तरीके बताएंगे चिप्स को बॉयल करने के। तो देख सकते हैं बॉयल आ चुका है हमारे चिप्सों में। तो पानी एक बार बॉयल हो जाए, फिर चिप्स डालने के बाद भी एक बार बॉयल आ जाए, बस आप चिप्स अपना निकाल के रख दीजिए। सबसे अच्छी ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि आपका आलू आप टच करेंगे तो देखेंगे आप आलू जब मैश करेंगे तो मैश नहीं हो रहा है, हाथ से हम दबा रहे हैं तो इसमें हल्का सा दब रहा है मगर मैशी नहीं हो रहा है। तो ये बॉयल करने का सबसे अच्छा तरीका जानने का। इससे आपके जो चिप्स हैं ना वो बिल्कुल काले नहीं पड़ेंगे, कभी भी काले नहीं पड़ेंगे और अच्छे से यम्मी रहेंगे। लास्ट ट्रिक है जो, वो हम आपको आगे बताएंगे, थर्ड ट्रिक। तो चलिए देखते हैं कि हमारे बीच बीच में उसको स्टर करते रहेंगे। तो ये देखिए, आलू के पानी में बॉयल आ चुका है, तो चिप्स भी हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये देखिएगा, इस कुक हो चुके हैं, बॉयल आ चुका है, तो इसको स्टर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको हम ऐसे स्टर करते हुए बॉयल कर लिया है और अब हम इन्हें निकाल कर रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक अपना ले लेंगे जिससे पानी भगोने में ही रह जाए और चिप्स हमारे आ जाए ऊपर। तो इस तरह से हम बर्तन ले लेंगे और एक इस तरह से ले लेंगे चावल छानने वाली छन्नी, जिसमें हम रख देंगे तो ये पानी हमारा नीचे टपकता रहेगा और इसकी कुकिंग प्रोसेस कम हो जाएगी। देखिए, ये बर्तन नीचे रख दिया था, उसमें पानी कितना सारा आ गया है चिप्स का। तो इसी तरह से हम ठंडा कर लेंगे इसको और इसको अब हम फैलाना बताते हैं, क्योंकि फैलाने की ट्रिक ही सबसे थर्ड ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, फैलाना, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हम एक एक अलग अलग फैलाएंगे। हम आपको ये सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर हम फैलाएंगे वो कॉटन का कपड़ा या आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, साफ कपड़ा ले लें और उस पर आप फैलाएं इसी तरह से जैसे हमने आपको बताया है। तो ये देखिए, हम आपको इसकी एक झलक दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमें चिप्स फैलाने हैं दूर दूर और एक के ऊपर ना आए। तो ये देख सकते हैं, हमारे दूसरे दिन सूख चुके हैं गाइस। इस चिप्स को सूखने में अगर अच्छी सी धूप है तो दो दिन का समय अच्छे से लगता है। तो हमारा 2 दिन बाद हम दिखा रहे हैं ये वीडियो। ये देखिए, भून कर भी दिखा रहे हैं कितने यम्मी और कितने अच्छे से फूल कर आए हैं, ये देख सकते हैं। और ये आप ये चिप्स
पैकेट वाले चिप्सों से ये चिप्स बहुत 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 बेस्ट लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि घर के बने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे वाइट वाइट फूल कर आ रहे हैं और इतने यम्मी कि बच्चे तो खाते ही रह जाएंगे। देखिए गाइस, वहाँ कढ़ाई में आपने देखा था बिल्कुल वाइट वाइट थे, ये यहाँ पर थोड़ा सा लाइट चली गई थी जिसकी वजह से अच्छी सी रोशनी नहीं लग रही है, इस वजह से हल्का सा रेडपन दिख रहा है। ठीक है, बाहर की रोशनी आ रही है, वो रेड बाहर कपड़ा फैला हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन लग रहा है। तो गाइज़ ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी है क्योंकि घर का बना हुआ है, इसमें कोई एडिड कलर या पाउडर नहीं पड़ा हुआ है। तो आप इसमें मन चाहा पाउडर डाल सकते हैं, यम्मी बना सकते हैं इसको, मैगी मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।